नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आप चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, एसएससी जीडी 2021 के लिए देखिए फाइनल रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उसी बीच सीआईएसएफ का आप लोगों का ट्रेनिंग शेड्यूल आ चुका है। इसके बाद बीएसएफ ने भी अपना ट्रेनिंग शेड्यूल दे दिया है कि वो कब से अपनी ट्रेनिंग शुरू कराने वाले हैं। अब देखिए लास्ट आप लोग का एसएसबी का भी ट्रेनिंग शेड्यूल जारी हो चुका है। यहाँ पर आप लोग का एसएससी जीडी का रिजल्ट आने से पहले इन तीन सेंटर्स ने अपना अपना ट्रेनिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। यानी जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट जारी होगा, विद इन मंथ आप लोगों के पास ट्रेनिंग लेटर आप लोगों के आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पिछली बार की भर्ती प्रक्रिया में ट्रेनिंग शेड्यूल जो आप लोग के मेरिट आई थी उसके बाद आने स्टार्ट हुए थे, लेकिन इस बार जो है काफ़ी फास्ट प्रोसेस करा जा रहा है, क्योंकि 2022 के लिए आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया निर्धारित हो चुकी है। उसके लिए नोटिफिकेशन भी, शॉर्ट नोटिस भी जारी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो है एसएससी जीडी 2021 की जो भर्ती प्रक्रिया है, ये काफ़ी फास्ट मूविंग प्रोसेस में कंडक्ट कराई जा रही है। अभी देखिए यहाँ पर बात करें ट्रेनिंग की, तो यहाँ पर जो 3,806 जो वैकेंसीज हैं एसएसबी के अंदर, उनको डिवाइड किया गया है ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर। क्योंकि यहाँ पर अभी आप लोग का देखिए ट्रेनिंग सेंटर पहले शेड्यूल होते हैं, इसके बाद जो है आप लोग की वैकेंसीज डिवाइड होती हैं ट्रेनिंग सेंटर्स में। वहाँ पर आप लोग की बैरक की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, बाकी आप लोग के ट्रेनिंग की जो किट हैं वो मंगाई जाती हैं। तो ये सब काम में समय लगता है, इस कारण से अभी से जो है प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर आप लोग का देखिए ये आप लोगों का ट्रेनिंग के लिए 10 सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसके लिए आप लोगों के 3 सेंटर्स जो हैं रिजर्व करे गए हैं और 7 सेंटर्स में आप लोगों को वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। तो कुछ इस तरीके से हैं, भोपाल के अंदर है, गोरखपुर के अंदर है, इसके बाद आप लोग के अलवर के अंदर है। तो इस तरीके से ट्रेनिंग सेंटर्स में आप लोग की वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। कहाँ पर आप लोगों की ट्रेनिंग मिलेगी, आप लोगों के पहले सिलेक्शन लिस्ट आने दीजिए। इसके बाद 2018 की भर्ती प्रक्रिया से मैं कंपेयर करके बता दूंगा, क्योंकि पहले आप लोगों की जो ट्रेनिंग शेड्यूल हुए थे ये स्टेट वाइज हुए थे, यानी पर्टिकुलर स्टेट का अलग से ट्रेनिंग सेंटर्स निर्धारित किया गया था। उसी तरीके से मैं यहाँ पर आप लोगों को डिवाइड करके बता दूंगा कि कहाँ पर आप लोग किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों को कौन सा ट्रेनिंग सेंटर मिल सकता है। रैंकिंग लिस्ट भी आएगी दोस्तों, रैंकिंग लिस्ट भी जारी की जाती है पर्टिकुलर जो है डिपार्टमेंट के द्वारा, रैंकिंग लिस्ट भी जारी होती है और आप लोगों का ट्रेनिंग के लिए इस तरीके से नोटिस भी जारी होता है। और आप लोग की फिर जो आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें मेंशन होगा कि आप लोगों को किस ट्रेनिंग सेंटर पर रिपोर्ट करना है ज्वाइनिंग के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से प्रोसेस होता है आप लोगों के पास। अभी देखिए रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है आप लोग का, देखिए सीआईएसएफ का जो आप लोग का ट्रेनिंग शेड्यूल आया था, बीएसएफ का ट्रेनिंग शेड्यूल उसके बाद जारी किया गया था, उसके बाद कंफर्म हो गया था कि आप लोगों का जो रिजल्ट है या आप लोग का इस मंथ या नेक्स्ट मंथ आप लोग का यानी नवंबर के अंदर, नवंबर फर्स्ट वीक में आप लोग का रिजल्ट जारी हो सकता है। और होने को आप लोग का, आप इस मंथ के दो दो दिन बचे हुए हैं, तो इन 2 दिनों में भी आप लोग का रिजल्ट जारी कराया जा सकता है। यानी आप लोगों के पास 10 दिन का मिनिमम टाइम है, मैक्सिमम टाइम है आप लोग का रिजल्ट आने के लिए। आप लोग का रिजल्ट जारी हो जाएगा, रिजल्ट में आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को कौन सी फोर्स अलॉट हुई है और कट ऑफ किस फोर्स की कितना गई है। तो कुछ इस तरीके से आप होता है आप लोग का ये सब प्रोसेस। और बाकी देखिए प्रोसेस के रिगार्डिंग तो मैं सभी वीडियोस आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ। बाकी आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्री ज्वाइनिंग प्रोसेस आप लोग को कम्प्लीटली हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की अपडेट के साथ। जय धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।